हाय गाइस, राधे राधे कृष्णा पनी ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। गाइस तो आज जैसा कि आज है वट सावित्री व्रत की पूजा, तो आज मैं सुबह उठकर देखिए नहा धो के रेडी हो गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने। और तो यहाँ पे मैंने सारे जेवर पहन लिए हैं जो भी मतलब यहाँ पे थे मेरे पास, तो वो मैं पहन रही हूँ। ये व्रत ना इसलिए बहुत अच्छे से सौभाग्य होता है ये जो व्रत करने को मिलता है हम लोगों को, तो बहुत अच्छे से तैयार होके जाते हैं। और इसमें अंगूठी और जेवर मतलब हमने तो सब पहना था, और जो यहाँ पे नॉर्मल सामान रखते हैं वही मैं पहना था। तो ये देखिए यहाँ पे मैं पहन रही हूँ अपनी अंगूठियाँ, और मैं हो गई हूँ रेडी यहाँ पे बिल्कुल। अब मैं पूजा का सामान तैयार करूँगी और इसके बाद में बरगद की पूजा होती है इसमें, तो मैं जाऊँगी मंदिर में। यहाँ पे पास में एक मंदिर है वहाँ पे बरगद है, तो वहीं पे जाऊँगी। और ये देखिए मैंने अपना छोटा वाला मंगलसूत्र निकाल के पहना है। तो गाइस यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ पूरी तरह से, मतलब अच्छे से तैयार हो गई हूँ। और यहाँ पे देखिएगा गाइस ये है, मैं यहाँ पे सामान इकट्ठा करूँगी जो पूजा का, वो मैं आपको बताऊँगी यहाँ पे क्या क्या लगता है पूजा का सामान। और गाइस सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी वीडियो प्लीज आप लोग अगर देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे मेरी चुनरी रखी हुई है, तो मैं चुनरी को ओढ़ के पूजा करती हूँ। पिछली बार भी मैंने की थी ऐसे ही, पर मैं हर बार चुनरी को ओढ़ के करती हूँ, तो मैंने चुनरी मंगाई है। देखिए गाइस मेरी चुनरी कैसी लग रही है, अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा। यह है हमारी चुनरी। गाइस मैं कैसी लग रही हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं वो आटे और हल्दी का मिला के वो बनाया जाता है घुटन जैसा, तो वो वहाँ पे उसकी बिंदियाँ लगती हुई हैं वहाँ पे पूजा। तो गाइस यहाँ पे मैं हल्दी और आटे का तैयार कर रही हूँ, इसके बाद में मैं करने जा रही हूँ सारा सामान इकट्ठा वहाँ पे करूँगी। ये देखिएगा हल्दी आटा तैयार हो गया है मेरा। चने वाले जो होते हैं चने वाले चढ़ाए जाते हैं, तो वो चने में लग गया है, तो वो चने में अलग अलग कर रही हूँ सारे, तो वही टाइम लगता है थोड़ा सामान इकट्ठा करने में।
यहाँ पे मैं पूड़ियाँ देखिए बना के लाई हूँ। पूड़ियाँ हैं, बरगदे हैं, और बरगद पूजने के लिए ये कच्चे बरगदा पक्के बरगदा तो ये सारे इकट्ठे किए जाते हैं। तो मैं वही सारा कर रही हूँ लाइव। तो गाइस यहाँ पे मैं कर रही हूँ सारा सामान। देखिए यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ बनाई हुई हैं और बरगदा बनाए हुए हैं कच्चे और पके। तो 12 कच्चे होते हैं, 24 पके बरगदा होते हैं और पूड़ियाँ होती हैं। 7 पूड़ियाँ वहाँ चढ़ाई जाती हैं, 5 अपने कोचे में डाली जाती हैं। तो अपने कोचे में डाल के फिर पूजा की जाती है। देखिए कृष्णा आ गए मुझसे पेंट मांगने के लिए, तो मैं अब इनको पेंट दूँगी। उसके बाद मैं अपनी तैयारी कर ही रही हूँ। देखिए बहुत चेतानियाँ देते हैं, फ्रेश होके आए हैं, उठा भी उठे हैं कृष्णा फ्रेश हुए। उसके बाद में हम उससे पेंट मांग रहे हैं, मैं इनको पेंट दे रही हूँ उठा के। मैं इनको कपड़े दूंगी। उसके बाद में देखिए कितना शैतानी दे रहे हैं, बहुत शैतानियाँ देते हैं। यहाँ पे सारा सामान देखिए मेरा इकट्ठा हो गया है गाइस। अब मैं पूजा के लिए निकलूँगी, थोड़ा सा टाइम लग जाता है सारा सामान इकट्ठा करने में। सामान इकट्ठा हो गया है गाइस, तो मैं जा रही हूँ सारा सामान हो गया करने के लिए। तो ये देखिएगा सारा सामान मेरा इकट्ठा हो गया है बास्केट में। तो मैं यहाँ से जाऊँगी सामान लेके मंदिर सीधा। देखिएगा मैं जा रही हूँ मंदिर। ये देखिए बरगद की पूजा होती है, तो वहीं पे देखिएगा जाएंगे। तो आप चलिए आप लोगों को मिलाते हैं, मंदिर दिखाते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे बहुत सारे लोग पूजा कर रहे हैं, उनसे भी मिलाते हैं। तो ये देखिएगा मैं आ गई हूँ बरगद की पूजा करने के लिए। यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ पूजा के लिए। वहाँ पे मेरे बगल में दीदी रहती हैं, किराए से बगल में एक पोर्शन और बना हुआ, तो उसी में रहती हैं, आ गई हैं नहीं तो वो भी करती हैं, तो वो भी मेरे साथ में बैठी हुई हैं। हम दोनों लोग साथ में ही गए थे पूजा करने। देखिएगा पूजा कर रहे हैं हम लोग।
यहाँ पे कथा हो रही है, तो हम लोग वही कथा सुन रहे थे बट सावित्री की। अब इसके बाद में यहाँ पे लगाने लगे फेरे, कच्चे सूत के धागे से फेरे लगाए जाते हैं, तो हम लोग वो फेरे लगा रहे हैं। और फेरे 12 फेरे लगते हैं तो टाइम लगता है, हम लोग आप ऐसे ही करते हैं, धीरे धीरे से लगाते हैं। तो यहाँ पे ये लग गए फेरे, देखिए गाइस। अब यहाँ पे फेरे लगाने के बाद में अब हम बरगद से भेटा जाता मिला जाता है, तो वही अब हम मिलेंगे बरगद से। ये देखिएगा भेंट रहे हैं हम। ऐसे ही मिला जाता है। तो इसके बाद में यहाँ पे मेरी पूरी पूजा हो गई है, इसके बाद में मैं घर जाऊँगी। घर जाके मैं भगवान का आशीर्वाद लूँगी, मैं अपने पति देव का भी आशीर्वाद लूँगी। इसके बाद मैं वीडियो का एंड करूँगी। ये देखिए मैं घर पे आ गई हूँ और मैं यहाँ पे भगवान जी का आशीर्वाद लूँगी। और ये देखिएगा यहाँ पे मैं भगवान जी का आशीर्वाद ले रही हूँ। तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।
और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।